हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अपग्रेड। आज आपको मैं इस वीडियो में NTPC में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम डेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, NTPC में जो वैकेंसी आई है वो बेसिकली डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आई हुई है, और ये जो प्लेस ऑफ लोकेशन है जॉब की, वो आपका 5 लोकेशन दे रखा है इसमें, जैसे कि पटना हो गया आपका, लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, रायपुर हो गया। तो ये इन सब का अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नोटिफिकेशन और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ है या लिंक है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये फॉर्म ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट ही फिलअप कर सकते हैं, बीटेक कैंडिडेट नहीं फिलअप कर सकते। और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो कैंडिडेट 2017 में पास आउट हुए हैं, यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कैंडिडेट हु है पास डिप्लोमा इन 2017 एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ 2018 हुज रिजल्ट आर टू बी डिक्लेयर बाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर 2018 विल ओनली बी एलिजिबल फॉर द दिस पोस्ट। मतलब 2017 के कैंडिडेट और 2018 के कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बस यही दो कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिप्लोमा में कौन सा ट्रेड फिलअप कर सकते हैं। जो डिप्लोमा का ट्रेड रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट या ट्रेड के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, इसका जो एज लिमिट है वो 25 साल मैक्सिमम है, और जिनका जो लैंड डिस्प्यूट मैटर है, जैसे NTPC के प्लांट में उनके लैंड में बना दिया गया है, उनके फादर्स के लैंड में बना दिया गया है, तो उनके वो जो कैंडिडेट हैं उनका जो अपर लिमिट है वो 35 साल है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिलैक्सेशन OBC ST एक्ट के तहत मिलेगी। तो बेसिकली इसमें 4 कैंडिडेट ही फिलअप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CI एंड माइनिंग के कैंडिडेट जो है फिलअप कर सकते हैं, वो भी 2017 के और 2018 के कैंडिडेट। देन मैं बताता हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड डेट, तो ये दे रखा है एडमिट कार्ड डेट, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट 1 जो है आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई होगा, और जो सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, वो आपका थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ अगस्त होगा। तो अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ क्या इसका सिलेबस है। ये है सिलेबस इसका, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा स्टेज 1 का, उसमें नॉन टेक के क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और ये जो पेपर है वो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो 2 घंटे का पेपर होगा। और जो सेकंड स्टेज है उसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल जो है वो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड रहेगा, उसमें भी 120 क्वेश्चन और 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी मेंशन है कि जो ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड OBC ST SC के लिए 30% लाना जरूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात, ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और बात करें टेस्ट सेंटर की, तो टेस्ट सेंटर जो है जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग टू डैट लोकेशन आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे अगर आप पटना के लिए भर रहे हैं तो पटना में एग्ज़ाम होगा, दे रखा आप नोटिफिकेशन वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट जो है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट है इस फॉर्म की 9 मई 2018 को। और जो एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं आपको पहले बता रखा हूँ, जुलाई में आ जाएगा इसका स्टेज 1 का एडमिट कार्ड, और ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो जुलाई में होगा, और ऑनलाइन 2 जो एग्ज़ाम होगा टेक्निकल वो आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2018 में होगा। तो ये स्थिति आपकी डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स। देन फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और जो भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट करें। और नेक्स्ट लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अगर आपको GK के वीडियोस चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।